Hello children, welcome to my online class for junior KG. In our previous video, हमने सीखा था picture identify करके दो option में से जो option right है उसमें write करना. So आपने वो worksheet complete की होगी, I hope so. आज मैं आई हूँ नए topic के साथ. आपको इसमें मजा भी आएगा और कुछ new करने को भी मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हो, और उसके पास कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं. बट ये क्या, उसका फर्स्ट लेटर तो नहीं है, पूरा ब्लैंक है. तो यही ट्विस्ट है, आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और उस पिक्चर्स का पिक्चर जो है ना अल्फाबेट से चालू होता है वो अल्फाबेट इस ब्लैंक्स में भरने हैं. सेम थिंग आपको यहाँ पे भी वही करना है, बट आपको इन दोनों पिक्चर्स को मैच भी करना है. क्यों? यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, इन जो ये जो पिक्चर्स जो अल्फाबेट से चालू होते हैं, यहाँ पे भी सेम मैंने वही किया है. तो जैसे कि ये एन फॉर नेस्ट है, ये एन फॉर नीप है, तो ये भी एन से चालू होता है, ये भी एन से चालू होता है. तो आपको इन दोनों को मैच करना है, यानी फर्स्ट आपको फर्स्ट लेटर लिखना है ब्लैंक्स में, देन उसके बाद उन सेम अल्फाबेट से चालू होते पिक्चर्स को मैच भी करना है. तो अब हम ये मैं आपको करके बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया एन फॉर नेस्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. सेकेंड क्या है? सेकेंड है एरोप्लेन. एरोप्लेन कौन से अल्फाबेट से चालू होता है? यस, ए फॉर एरोप्लेन. तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? ए लिखना है. नेक्स्ट है किंग. किंग कौन से अल्फाबेट से चालू होता है? के. के फॉर किंग. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? के. K for king. Next क्या है? Doll. Doll कौन सा अल्फाबेट से चालू होता है? D. D for doll. तो यहाँ पे कौन सा लेटर लिखेंगे? D. Okay. D for doll. अब इसी तरह यहाँ के भी पिक्चर्स आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्या है. Yes, A for apple. तो blanks में हम क्या लिखेंगे? A. Second क्या है? Yes, D for dog. You are right. Very good. तो यहाँ पे हम blanks में क्या लिखेंगे? D for dog. Next क्या है? Neep. Neep कौन से letter से चालू होता है? N. N for knee. Next क्या है? Kite. Kite कौन से लेटर से चालू होता है? K for kite. अब हम इन ना पिक्चर्स को मैच करेंगे. चलो करते हैं. फर्स्ट है N for nest. N for nest को कौन से पिक्चर से ना मैच करेंगे? Yes, N for neep से. Like this. Second क्या है? A for airplane. A for airplane को किससे मैच करेंगे? Very good. A for apple से. थर्ड क्या है? के फॉर किंग. के फॉर किंग को किससे मैच करेंगे? यस, के फॉर काइट से. नेक्स्ट क्या है? डी फॉर डॉग. डी फॉर डॉग किससे मैच करेंगे? डी फॉर डॉग से. तो ओके चिल्ड्रन, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. ओके चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बोर्ड में
एक्सप्लेन किया था कि पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, वो किस अल्फ़ाबेट से चालू कर होता है, वो आइडेंटिफाई करके ब्लैंक्स में आपको भर के फिर उसको मैचअप करना है। जैसे कि एग्जांपल फॉर, यहाँ पे एरोप्लेन दिया हुआ है, एरोप्लेन किस वर्ड से अल्फ़ाबेट से चालू होता है, ए फॉर एरोप्लेन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसी तरह उसके सामने ए से चालू होने वाला भी एक पिक्चर दिया होगा यहाँ पे, जैसे कि एप्पल, एप्पल भी ए फॉर एरोप्लेन से चालू होता है, तो एरोप्लेन को एप्पल से मैच करना है। ये आपको आपके नोटबुक में होमवर्क पे करना है। ओके ओके चिल्ड्रंस, इट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, बाय, हैव अ नाइस डे।